आर भारत टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके जिले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। बोल रहा है मीडिया, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के ग्राम मेलके में उपस्थित हूं और यहां पर देखा जा रहा है पीछे में अभी प्रत्याशी मेरे खड़े हैं और इनसे मैं विशेष बात कर रहा हूं कि इस किस पद से खड़े हैं और अपने क्षेत्र के लिए क्या करें। सबसे पहले नमस्कार सर, अपना पद दे। सबसे पहले हम अपने ओर से नमस्कार अभिनंदन करता हूँ। आज मेरी पत्नी श्रीमती रिंकी कुमारी उर्फ रिंकी यादव जिला परिषद सदस्य पद विक्रमगंज दक्षिणी 21 से नामांकन की। आज से पहले यहाँ जिला परिषद के पद आप जीते थे या नहीं? 2011 में हम चुनाव लड़े थे, इस कारण से चुनाव नहीं हो पाया। उसके बाद मैं लगातार संघर्ष करते रहा, 21 में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे जनता पर भरोसा है, जो मुझे जन समर्थन मिल रहा है, उससे अपार समर्थन मिल रहा है। जनता पर भरोसा है, जन समर्थन मिल रहा है, अब देखना है कि किन से स्तर पे ये पूरे जनता ताज पहनाएगी। आज से कुछ ही दिनों के बाद में इन लोगों का सिंबल मिलेगा, सिंबल मिलने के बाद में चुनाव प्रचार चालू करेंगे लोग, उसके बाद इन लोग का इज्जत मान प्रतिष्ठा जो है गांव में घूम करके अपना बढ़ाएंगे लोग, और उसके साथ कुछ दिनों के बाद नसीब इनका ईवीएम में कैद हो जाएगा। जब ईवीएम में नसीब कैद हो जाएगा उसके बाद इंतजार करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा जब ईवीएम खुलेगा तो कि किस किस स्तर पे सज रही है ताक, कौन चलाएगा अपने पंचायतों का राज, कौन चलाएगा अपने क्षेत्र का राज। और ये बताइए सर कि अगर आप जीत हासिल कर ले रहे हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास के काम करेंगे? देखिए, सबसे पहला विकास मेरा भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। जिला परिषद क्षेत्र में भिन्न भिन्न पंचायत में 6 पंचायत हैं हमारे यहाँ, 65 गाँव टोटल है। इंद्रावास, BPL, APL, राशन कार्ड में जो जाति निवास में पर्याप्त लूट जो मचा हुआ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मुझे जितने के बाद चाहे उस कुर्सी पर ब्लॉक में अनुमंडल में जो भी पदाधिकारी होगा, मुझे भरोसा है कि जनता जब मुझे मान सम्मान देगी तो ईमानदारी ग्रामीण जनता है आपको उपस्थित है, उनसे थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेता हूँ। सबसे पहले नमस्कार सर, अपना सुजीत कुशवाहा सामाजिक के, आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप इनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ से जिला परिषद के लिए नामांकन कराए, देखिए यह व्यक्ति करीबन 20 सालों से छात्रों के सवाल को लेकर, गरीबों के सवाल को लेकर, यूरिया के सवाल को लेकर, खाद के सवाल को लेकर, धान के सवाल को लेकर, MST के सवाल को लेकर यह लड़ाई लड़ते रहते। कोई भी व्यक्ति यदि आप दिखा दीजिए जो जिला परिषद से खड़ा है, वह यदि जनता के सवाल पर खड़ा होगा तो उसको आप वोट दीजिए। मैं यह कहने नहीं आया हूँ कि जो बारहो माह जब चुनाव नहीं हो वह जनता की सवाल पर लड़ाई लड़ता है, जहाँ कोई दंगा फसाद की स्थिति आती है वहाँ भी सबसे आगे रहता हो, जो अपने अपने समाज में भाईचारा बनाने की कोशिश करता हो आप उसको वोट दीजिए। जो व्यक्ति पटना से लेकर हर बिहार के हर कोने में लड़ाई लड़ने का काम करता है, चाहे मुख्यमंत्री का घेराव करना हो, शिक्षा मंत्री का घेराव करना हो, तमाम चीजों के लिए लड़ाई लड़, यहाँ से पॉकेट में पैसा नहीं रहता है लेकिन इनके पास जज्बात रहता है और पटना पहुँच जाते हैं, इनकी जज्बात रहता है कि वीरपुर सिंह विश्वविद्यालय में पहुँच जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ और आरा से इसीलिए आया हूँ कि ऐसे लोगों को चुनकर जनता पहुँचाए, और मैं विश्वास दे तक दिलाता हूँ यह व्यक्ति यदि जनता के सवालों पर खड़ा नहीं होता है तो मैं राजनीतिक से संन्यास दे दूंगा। चला
तो बहुत दूर तक इनके काम पे चर्चा है और लोग जान रहे हैं, ताकि आरा से आके भी एक जनता ने इनके बारे में बताया। चलिए आप देख रहे हैं आर भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ अक्षय पटेल जी, आप देख रहे हैं विक्रम चलाए। जनता जब मुझे मान सम्मान देगी तो ईमानदारी से कहीं एक रुपया किसी का नहीं लगेगा। चाहे इंदिरा आवास में 50,000 लूट होता है, बीपीएल एपीएल में नाम दिलवाने में 1,000 रुपया लगता है, राशन कार्ड नहीं सबका बना है। जब मैं बनूंगा तो वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैंपिंग होगा और ईमानदारी से वितरण किया जाएगा। इसके साथ साथ पूरे जिला परिषद क्षेत्र के लोगों को जहाँ तहाँ जब मन तब प्रशासन के लोग बाइक चेकिंग लगा देते हैं और 100-100 रुपया तहसीलदार शुरू कर देते हैं, ये सब चीज़ नहीं होगा। मेरे जीतने के बाद यहाँ के लोग आज़ाद हो जाएंगे, पहल का चीज। और जो मेरा विकास निधि होगा, जो भी होगा, वो वार्ड स्तर तक मैं एक कमेटी बना रहा हूँ, उनके बीच हम रखेंगे और जो लोग कहा जहाँ कहेगा वहाँ लगा मैं उसका केवल मॉनिटरिंग करूँगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आपने इतना जानकारी दी आर भारत न्यूज चैनल से, और एक चीज़ और बताइए, पूरे अपने क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या कर देते हैं? पूरे क्षेत्र के जनता के लिए मैं विश्वास के साथ 11 में भी जो मैं चुनाव लड़ा था तो यही कहे थे सबसे, आप लोग एक बार बेटा मान लीजिए, बेटा मानकर उसके बाद ये यदि रविंदर बेटा नहीं साबित हुआ आप जो दंड देंगे मैं तैयार हूँ। लेकिन इस बार मेरा संकल्प है चुनाव जीतने के बाद 13 महीना में सबका बेटा बन के मैं दिखा दूंगा। जितना मुझे पिताजी का भरोसा हम पर होगा, इस क्षेत्र के सभी कम के जनता, नौजवान, युवा, किसान, सबका मैं बेटा बन के दिखा दूंगा। मैंने कसम खाया है घिनौ पर हम के धरती पर 1,500 लोग के बीच में, चुनाव जीतने के बाद पत्नी के साथ जीतवा एक साल जनता के बीच रहूंगा, संघर्ष करूंगा। चलिए सर, आपने आर भारत टीवी चैनल को इतना जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यहाँ हाथ में थोड़ी हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो।